तो खाने के साथ साइड डिश में अगर ऐसा कुछ मिल जाए तो खाने का जो मज़ा है वो डबल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम बनाएंगे मिर्ची का अचार। तो जो सब्जी वाले से हम मिर्ची लेते हैं, ये वही वाली मिर्ची है, इसका अचार हम बनाएंगे। तो अगर किसी सब्जी में आपको टेस्ट या मसाला कम लग रहा है, तो अगर ये वाला अचार आप उसके साथ खा लेते हैं तो जो खाने का टेस्ट है वो डबल हो जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ 200 ग्राम जितनी मिर्ची ली है और इसको अच्छे से धो लिया है, और धोने के बाद सुखा लिया है, अच्छे से सूख जानी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए। चलिए अब इसको हम कट करेंगे। तो ये जो मिर्ची है इसे कट करने के लिए हम सीजर का यूज करेंगे, ताकि जो हमारे हाथ है वो भी जले नहीं। तो चलिए इसे कट करेंगे। तो मिर्ची लेंगे और इसका जो डंठल है वो निकाल लेते हैं, और जो मिर्ची है इसे हम 4 से 5 टुकड़ों में कट करेंगे। इस तरह से बहुत ही आसानी से जो मिर्ची है वो कट हो जाती है, और इसके जो बीज है वो भी हाथ में नहीं लगते हैं। तो चलिए इसे हमने कट कर लिया है। इसमें अभी नमक और हल्दी मिक्स करेंगे। तो नमक जो है 2 बड़ा चम्मच भर के डालेंगे। तो नमक डालने से क्या होगा कि ये जो हमारा अचार है इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी, और मिर्ची का जो तीखापन है वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। साथ में थोड़ी सी हल्दी भी डाल देंगे। अभी इसे हम मिक्स कर लेंगे। और अभी ये जो मिर्ची है इसे हमें छोड़ देना है कम से कम आधे पौने घंटे के लिए, ताकि इसमें से जितना भी पानी है वो निकल जाए और जो मिर्ची है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, आधे पौने घंटे के लिए। तो चलिए जब तक जो मिर्ची है ये मैरिनेट होती है, हम इसका एक बढ़िया सा मसाला भून लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पीली वाली सरसों ली है, ये 3 बड़ा चम्मच जितनी है, इसे हम इस पैन में ऐड कर देंगे। खड़ा धनिया लिया है 2 चम्मच जितना, 2 छोटा चम्मच। सौंफ लिया है, ये भी 2 चम्मच जितना है। और मेथी दाना लिया है, ये 1/2 चम्मच जितना है। तो ये जो मसाले हैं इसे हमें सिर्फ आधे मिनट के लिए ही रोस्ट करना है। ऐसा करने से इसमें जो भी मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा और हमारे अचार की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। इसका जो कलर है हमें चेंज नहीं करना है। तो चलिए जो मसाला है वो भुन चुका है, इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे और फिर इसे हम दरदरा पीस लेंगे। तो चलिए जो मसाला है इसे हम इस ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। और इसे हमें दरदरा पीसना है, एकदम फाइन पाउडर तो बिल्कुल भी नहीं बनाना है। दरदरा इसे हमें पीसना है, यानी पल्स मोड पे चालू बंद करके पीसेंगे इसे। तो ये देखिए, इसको मैंने ऑन ऑफ करके पीस लिया है, दरदरा पाउडर है ये। तो यहाँ पे हमारी जो मिर्ची है ये भी मैरिनेट हो गई है। तो इसे हम निचोड़ लेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। देख सकते हैं, अच्छे से इसे दबा दबा के निचोड़ लेंगे। तो चलिए इसे हम एक साफ कपड़े पे बिछा देंगे और इसे पूरी तरह से हम सुखा लेंगे। इसे हम इस तरह से अलग अलग कर लेंगे ताकि जल्दी से ये सूख जाए, और इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। आप इसे फैन के नीचे भी रख सकते हैं ताकि जल्दी से ड्राई हो जाए, या तो बाहर बालकनी में भी रख सकते हैं। तो जो ये मिर्ची है ये भी ड्राई हो चुकी है। तो इसे एक बोल में हम ट्रांसफर कर देते हैं, टाइम पैन रख देते हैं। तेल को गरम करेंगे। तो मैंने सनफ्लावर ऑयल लिया है, 1/4 कप जितना लेना है। तो यहाँ पे आप मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं। और ये जो तेल है इसे अब एकदम धुएँदार गरम करना है, और फिर जैसे ये पूरी तरह से गरम हो जाएगा हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हमें हल्का सा ठंडा होने देना है। इसमें हम थोड़ी सी हींग मिलाएंगे।
थोड़ी सी हल्दी भी मिलाएंगे कलर के लिए। तो ये जो अचारी मसाला हमने बनाया है वो इसमें हम डाल देंगे। तो ये जो गुनगुना तेल है इसके ऊपर हम डाल देंगे। और अभी इस तरह से इसे ऊपर नीचे करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छे से पूरी तरह से मिर्ची में लग जाए। और अभी आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप जो इसमें प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। तो नींबू लिया है एक बड़ी साइज का, नींबू का रस इसमें मिला देंगे। तो चलिए इसे हम कांच की बोतल में भर लेंगे। तो जो बोतल हम लेंगे वो एकदम साफ होनी चाहिए और इसे हमेशा फ्रिज में ही स्टोर करके रखना है। और जब भी इसमें से अचार निकालना है तो साफ चम्मच से निकालना है। तो इस तरह से आप आराम से 3 महीने के लिए अचार को स्टोर करके रख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से कमेंट में यमी टाइप करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसी टेस्टी रेसिपी के लिए मेरे पेज को भी फॉलो कर लीजिए। तो हम जल्द मिलेंगे ऐसी यमी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।